सेंटर लॉकिंग आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है। अगर टायर कट जाए तो कहाँ जाएगा भाई कंज्यूमर? मेरे को तो ये नहीं पता कि भाई जो गाड़ी साइलेंट इतनी है उसके बाद आप इसमें इंसुलेशन क्यों दे रहे हो। ये मान के चलो 15 से 20 हज़ार रुपये का अभी डिस्काउंट चल रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल रिव्यू विद आर्यन पर। मैं हूं आप सबका होस्ट हूं दोस्त आर्यन। तो दोस्तों अभी आप सबके सामने खड़ी है मारुति की फ्रॉन्क्स। अगर वेरिएंट की बात करें तो भाई ये रहने वाला अपना सीएनजी का बिल्कुल बेस ऑफ द लाइन वेरिएंट सिग्मा। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं इसका एक प्रॉपर वॉक अराउंड रिव्यू। आपको बताऊंगा भाई इस वीडियो में कि भाई कैसे कुछ ये दिखती है गाड़ी, अंदर से क्या क्या फीचर ये ऑफर कर देते हैं बेस वेरिएंट में, और कैसा कुछ इसमें हमें स्पेस देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। तो सारी चीज़ आज हम बात करने वाले इस वीडियो में, बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो भाई स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ इस गाड़ी की चाबी, ऐसी कुछ इसमें हमें चाबी देखने को मिल जाती है। दो बटन है, लॉक अनलॉक, यहाँ पर सुजुकी का लोगो है और ऐसी कुछ की है। सेंटर लॉकिंग आपको बेस वेरिएंट से ही मिल जाती है। तो ये थी भाई चाबी। अब बढ़ते हैं बोनेट की तरफ। तो भाई ये बोनेट मिल जाता है हमें, ये क्रेजेज इसमें डाल रखे हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं ये भी। और साथ में इसमें ना अंदर रबर डाल रखा है ताकि हम ज़्यादा धूल मिट्टी या डस्ट वगैरह ना गाड़ी के बोनेट के अंदर ना जाए, तो उससे बचाव हो जाए। और अगर नीचे बात करें तो भाई इसमें ना अपना यहाँ पे इंडिकेटर दे रखा है बेस वेरिएंट में, और यहाँ पे अपना मिल जाता है हमें पायलट लैंप। और अगर हेड लैंप की बात करें तो वो भी हमें इसमें ना प्रोजेक्टर बेस दे रखे हैं, लेकिन वो हेलोजन में है, लेकिन आप आफ्टर मार्केट जरूर से इसमें LED लगवा सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ती है तो। बाकी नीचे ये एक डमी पार्ट इसमें डाल रखा है। अगर सेंटर में बात करें तो सुजुकी का लोगो इसमें दे रखा है भाई, काफ़ी बड़ा क्रोम में दे रखा है। और पूरी इसमें यहाँ पे हमें ग्रिल में क्रोम देखने को मिल जाता है। यहाँ पे हमें जो इसकी ग्रिल है ये हमें मैट फिनिश में दे रखी है। फ्रंट में कोई भी कैमरा वगैरह बेस वेरिएंट में नहीं आता है। और यहाँ पे अपनी नंबर प्लेट लग जाएगी। नीचे सिल्वर कलर का आपको यहाँ पे डिफ्यूज़र देखने को मिल जाता है फ्रंट में। तो दोस्तों ये तो था भाई इसके फ्रंट में। अब आपको दिखाता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल में आप देखो भाई कैसे कुछ लगती है भाई ये गाड़ी। ठीक ठीक इसका साइज है, काफ़ी अच्छा लिखते हैं ये, जो आपकी सब कॉम्पैक्ट SUV आप कह सकते हो। ये उसी सेगमेंट में आती है, बलिनों से एक अपलिफ्टेड आप इसको कह सकते हो। तो जो लोग भाई बलिनों की तरफ नहीं जाते वो जाते भाई अपनी फ्रॉन्क्स की तरफ, जब से इसमें आई है भाई अपनी CNG। बाकी टायर प्रोफाइल की बात कर ले तो भाई ये आता है अपना 16 इंच का टायर इसमें हमें देखने को मिल जाता है बेस वेरिएंट से। 195/60R16 साइज का इसमें हमें स्टील रिम देखने को मिल जाता है। साथ में इसमें हमें ना देखने को मिल जाते हैं इसके व्हील कवर भी, जो कि आप जब डिलीवरी होगी तो वो इसमें लग जाएंगे। सिल्वर कलर के आते हैं वो भी। पूरी गाड़ी में हमें क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। साथ साथ में इंडिकेटर हमें फेंडर पे दे रखा है, ओआरवीएम पे नहीं दिया गया है। और जो डोर हैंडल है वो भी हमें ब्लैक फिनिश में दिए गए हैं, बॉडी कलर नहीं देखने को मिलते। ऊपर जो रूफ रेल है वो भी हमें ब्लैक फिनिश में दी गई है। साथ में इसमें मैंने ऊपर आपका सर्फिन एंटीना दे रखा है, लेकिन है ना अंदर कोई भी स्टीरियो वगैरह नहीं दे रखा। तो ये कॉस्ट कटिंग कंपनी चाहती तो कर सकती थी कि वो एंटीना ना देती, लेकिन मारुति ने दिया ज़रूर है। बाकी यहाँ पे आप बात करें तो भाई आपका फ्यूल यहाँ से डलेगा, आपको 40 लीटर की इसमें टंकी देखने को मिल जाती है। CNG का स्टिकर है, डिफोगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप हमें ऊपर देखने को मिल जाता है। नेक्सा की बैजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सुजुकी का लोगो यहाँ पे है। और नीचे अगर टेल लैंप की बात करें तो भाई ये देखो भाई पूरी हमें LED में देखने को मिल जाती है इसकी टेल लैंप। कनेक्टेड नहीं है, दे तो रखा है लेकिन ये डमी है, लाइट नहीं जलती इसमें। फ्रॉन्क्स की बैजिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। और नंबर प्लेट के लिए लाइट इसमें LED में ही दी गई है, यहाँ पे नंबर प्लेट लग जाएगी। नीचे बात करें तो भाई चार हमें इसमें पार्किंग सेंसर दे रखे हैं। बहुत सारी कंपनी आजकल सिर्फ दो ही डालती है, मारुति ने कोई कॉस्ट कटिंग नहीं करी है। बेस वेरिएंट में भी चार प्रॉपर दे रखे हैं। और यहाँ पे हमें दे रखा है इसका रिफ्लेक्टर प्लस पीछे हमें डिफ्यूज़र ऐसा कुछ दे रखा है, सिल्वर फिनिश में काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये था भाई इसका बैक प्रोफाइल। अब आपको लेके चलता हूँ भाई गाड़ी के अंदर चल के आपको दिखाते हैं भाई कैसी कुछ दिखती है भाई ये गाड़ी अंदर से। डोर हैंडल ऐसे कुछ है, यहाँ से हम करेंगे इसके अनलॉक। ये खोल दिया भाई मैंने डोर। तो भाई अगर ड्राइवर साइड डोर की बात करें तो भाई ऐसा कुछ हमें इसमें डोर देखने को मिल जाता है, आप सब देख पा रहे हो। ब्लैक प्लस जो ये आप थोड़ा मैरून कलर कह सकते हो, इसमें आपका ये इंटीरियर देखने को मिल जाता है, प्लस ये थोड़ा कॉपर कलर आप कह सकते हो। ये तीन आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें, ब्लैक, ये और ये कॉपर कलर। डोर हैंडल इसमें हमें ब्लैक फिनिश में दे रखे हैं। तो ये लॉक अनलॉक के लिए यहाँ पे बटन दे रखा है। ऑटो डाउन आपको मिल जाती है ड्राइवर साइड वाली पावर विंडो, और लेकिन पावर विंडो आपको चारों ही दे रखी है। यहाँ पे हमें सॉफ्ट टच दे रखा है, बोतल होल्डर है, स्पीकर ग्रिल है, कुछ स्पेस है। और जो ये डमी आप देख पा रहे हो ये छोड़ रखा है, ये भाई आपके ORVM के लिए है। इसमें बस ये एक ही दुख मेरे को लगा कि ORVM आप इसको एडजस्ट नहीं कर सकते कैसे भी, आपको पावर विंडो डाउन करके फिर आपको हाथ से एडजस्ट और फोल्ड करने पड़ेंगे। चलो ये वाला तो आप कर लोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी इसमें तो ज़्यादा। को पैसेंजर साइड वाला आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है एडजस्ट करने में जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो तब। बाकी भाई चाबी मैंने आपको दिखाई दी थी, इसको लगाते हैं इसके इग्निशन होल में। तो भाई सबसे पहले जो चीज़ आप देख पा रहे हो भाई इसमें, भाई म्यूजिक सिस्टम नहीं आता। चलो बेस वेरिएंट है तो भाई नहीं दिया, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक उससे भी हाई लेवल की चीज़ मेरे को दिख रही है भाई, ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल।
इसकी भी बात करेंगे भाई थोड़ी देर बाद। बाकी पहले स्टेयरिंग व्हील आपको दिखा देता हूँ। तो भाई ऐसा कुछ इसमें हमें स्टेयरिंग व्हील दे रखा है, डी कट है, सेंटर में सुजुकी का लोगो है, क्रोम की ग्रिल ढाल रखी है, और हॉर्न के लिए आपको यहाँ पे पैड दे रखा है। दो एयरबैग मिलता है गाड़ी में, एक यहाँ पे है और एक हमें वहाँ पे फ्रंट पे देखने को मिल जाता है। बाकी जो ये स्विच है अपने वाइपर के लिए और जो ये स्विच है अपने इंडिकेटर और हेडलैम्प के लिए दे रखे हैं। और अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो टिल्ट है, टेलीस्कोपिक बेस वेरिएंट में ऐसा बहुत कम कंपनियाँ देती है, तो भाई इसमें नहीं दिया गया है। अगर अब बात कर ले दोस्तों इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो भाई ऐसा कुछ हमें दे रखा है, आप सब देख पा रहे हो भाई एनालॉग है, काफ़ी अच्छा लगता है। और सेंटर में इसमें हमें एक MID भी जरूर से दे रखी है, जो कि आपकी CNG और पेट्रोल के फ्यूल के बारे में भी आपको बता देगी। बाकी अगर इसमें आपको थोड़ा दिखाऊं तो 8000 तक की मार्किंग दे रखी है RPM मीटर के लिए, 220 तक की मार्किंग दे रखी है हमारा इसमें स्पीड के लिए, और वार्निंग लाइट्स इसमें हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी दे रखी हैं, सेंटर में ऊपर भी मिल जाएगी, पेट्रोल के लिए हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। और अगर आपने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उसकी वार्निंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी राइट साइड में। और अगर आपको इसकी सेंटर वाली MID में छेड़खानी करनी है, फिर कुछ चेक करना है, तो आपके लिए एक यहाँ पे ये स्विच डाल रखा है और एक हमें यहाँ पे डाल रखा है। तो देखते हैं किससे क्या क्या काम करता है। ये अभी आपको रेंज एवरेज तो आपको पता लगेगी इस वाले से, और अगर लेफ्ट वाले से बात करें तो ट्रिप ए, ट्रिप बी और ओडोमीटर आप इससे पता लगा पाओगे। लेफ्ट साइड में इसमें हमें यहाँ पे पेट्रोल का पता लगता है और राइट साइड में हमें इसमें CNG का पता लग जाता है। तो भाई ये था भाई इसका मीटर, काफ़ी ठीक ठीक है, आपको सारी इन्फॉर्मेशन ये बता देगा। और अगर यहाँ पे AC वेंट की बात करें तो यहाँ पे क्रोम की हमें ट्रीटमेंट, कार्बन की इसमें हमें ट्रीटमेंट देखने को मिल जाती है, साथ में ये जो आपका कॉपर कलर है वो हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है इसके इंसर्ट के साथ। नीचे हमें ये आपका मैरून कलर देखने को मिल जाता है। ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे बटन है, और फ्यूल स्विच करने के लिए आपको यहाँ पे एक मैनुअल बटन दे रखा है। हेडलैम्प लेवलर भी हमें इसमें ज़रूर से यहाँ पे दिया गया है। बाकी नीचे अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पेस है, हम यहाँ पे मोबाइल तो शायद ही रख पाएंगे, लेकिन कुछ छोटा मोटा चीज़ आप यहाँ पे रख पाओगे। बाकी यहाँ पे ये बटन है अपना बोनट खोलने के लिए, फ्यूल लिड के लिए हमें यहाँ पे बटन दे रखा है। ये था दोस्तों, अगर ऊपर बात करें डैशबोर्ड की तो आप देख पा रहे हो भाई ऐसा कुछ इसका डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, ब्लैक प्लस जो ये आप देख पा रहे हो यहाँ पे सिल्वर कलर की टच यहाँ पे डाल रखी है, यहाँ पे भी है, और काफ़ी अच्छा भरा भरा इसमें हमें डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, काफ़ी अच्छा लगता है ये। बाकी सेंटर में मैंने आपको बताया था भाई अभी तो इसमें कुछ है नहीं स्क्रीन वगैरह, बाकी आप अभी इसको स्पेस के तौर पर यूज कर सकते हो, तो आप इसको स्पेस बोलोगे, कुछ रख सकते हो, मोबाइल भी आप इसमें इजीली रख पाओगे। हैजार्ड के लिए यहाँ पे हमें बटन देखने को मिल जाता है, AC वेंट ऐसे कुछ हैं, यहाँ पे भी कार्बन की हमें टेक्सचर देखने को मिल जाता है। नीचे बात करते हैं ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल की, हाँ भाई ऑटोमेटिक है, काफ़ी अच्छा काम करता है। फ़ैन की स्पीड आप यहाँ से कम ज़्यादा कर पाओगे, और टेम्परेचर आप यहाँ से इसका बढ़ा पाओगे, कम कर पाओगे। और ऑफ़ करना है तो बस आपको एक बटन दबाना है, ये ऑफ भी हो जाएगा। फ्रंट डिफोगर और रियर डिफोगर के लिए अलग अलग इसमें बटन डाल रखे हैं। और नीचे अगर बात करें एक 12 वोल्ट का सॉकेट है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, डमी है। अगर आपका स्टीरियो होता ना ये, तो यहाँ पे आपको कोई ना कोई होता है, यहाँ पे टाइप सी या फिर USB टाइप ए का पोर्ट इसमें जरूर से मिल जाता आपको। बाकी यहाँ पे बात करें तो आप कुछ स्पेस है, मोबाइल रख सकते हो, दो कप होल्डर इसमें ईजिली आपके आ जाएंगे। और 5-speed का आपको मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिल जाता है, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी अच्छा। तो भाई ट्रांसमिशन के मामले में तो भाई ऐसा सच कभी कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको इस गाड़ी में। और क्लच भी भाई मेरे को काफ़ी स्मूथ इसका फील हो रहा है, अभी फ़िलहाल स्मूथ है भाई काफ़ी। बाकी अगर हैंड ब्रेक की बात करें तो भाई मैनुअल हैंड ब्रेक है, यहाँ पे भी कुछ स्पेस है, कुछ स्पेस है, तो मतलब हाँ स्पेस के मामले में है ना काफ़ी अच्छी कर रखी है गाड़ी डिज़ाइन, कभी आपको मतलब दिक्कत नहीं आएगी स्पेस के मामले में। बाकी ग्लव बॉक्स ऐसा कुछ है, नॉर्मल स्पेस है, ठीक ठीक आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसमें आ जाएंगे। और यहाँ पर सेंटर में IRV हम आपको मैनुअल दे रखा है। और यहाँ पे बात करें तो टिकट होल्डर वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे इस वाइजर में, और यहाँ पर भी आपको वैनिटी नहीं मिली है, और एयरबैग की मार्किंग जरूर से इसमें ढाल रखी है। ग्रैब हैंडल 1, 2 और 3 दे रखे हैं, ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ती तो नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यही था इसमें, फ्रंट से मैंने लगभग आपको सारी चीज़ें बता दी है। अब आपको लेके चलता हूं भाई इसकी सेकेंड रो में, फिर आपको दिखाते हैं इसका सेकेंड रो में कितना कुछ हमें स्पेस देखने को मिल जाता है। तो अपने हिसाब से एडजस्ट करता हूँ इसको, बाकी डेड पेडल भी भाई इस ब्रांड में आ जाता है। हाँ जी दोस्तों, तो मैंने इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया है, बंद करते हैं इसके इग्निशन को, चाबी निकाल ली मैंने, अब चलते हैं सेकंड रो में। तो दोस्तों पीछे वाला डोर आप सब देख पा रहे हो भाई ऐसा कुछ दिखता है, विंडो काफ़ी बड़ी है, यहाँ पे आपको पावर विंडो भी मिल जाती है, डोर हैंडल ब्लैक फिनिश में है, यहाँ पर आपका सॉफ्ट टच के लिए ये आपका फैब्रिक लगा रखा है, काफ़ी सही है। बाकी यहाँ पर स्पीकर ग्रिल है, स्पीकर अभी इसमें नहीं आते हैं। और
बोतल होल्डर है और कुछ स्पेसिस में हमें देखने को मिल जाता है। बंद करते हैं। ऊपर आपको इसमें ग्रैब हैंडल भी देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों स्पेस की बात कर लें तो भाई देखो प्रॉपर मेरे पास काफ़ी अच्छा इसमें मेरे को नेरूम मिल जाता है। तो स्पेस तो भाई इसमें सेडान गाड़ी के हिसाब से है, उतना ही मेरे को मिल रहा है। अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी हाइट 6 फीट है, तो भाई मेरे पास इतना कुछ मेरे को स्पेस इसमें मिल रहा है। और अगर थाई सपोर्ट की बात करूँ तो वो भी भाई मेरे पास काफ़ी अच्छा है, कभी भी मेरे को इतना दिक्कत नहीं होगी इस गाड़ी में। बाकी मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि भाई जैसे जितनी कंफर्टेबल इसकी आगे वाली सीट थी ना, उतनी ही कंफर्टेबल इसकी मेरे को है ना पीछे वाली सीट भी लगी है। बाकी अगर हेडरूम की बात कर लें तो आप देखो भाई मेरे पास कितना हेडरूम है, ज़्यादा तो नहीं कहूँगा लेकिन ठीक है, मेरा है ना कहीं पे भी ना सर भीड़ नहीं रहा तो सही लगा मेरे को इसका हेडरूम भी। बाकी यहाँ पर एक कैबिन लाइट भी जरूर से दे रखी है हेलोजन में। और अगर नीचे बात करें तो एक 12 वोल्ट का सॉकेट दे रखा है यहाँ पर, और कुछ स्पेस यहाँ पर भी है और नीचे भी इसमें स्पेस है। तो अच्छे से डिज़ाइन कर रखे भाई ये गाड़ी। इसमें दोस्तों आपका फायर एक्सटिंग्विशर मिलता है आपको, इसमें आपके वो मिलते हैं आपके व्हील कवर और जैक वगैरह जो ये पड़े हैं ऐसे पड़े हैं। बाकी सेंटर में इसमें आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है, लेकिन सीट जो है वो आपकी 60-40 स्प्लिट सीट आपको मिल जाती है। तीनों आपको एड्रेस इसमें मिल जाते हैं, सेंटर में भी एडजस्टेबल है तीनों, फ्रंट में भी आपको दोनों एडजस्टेबल मिल जाते हैं। बाकी जो ये क्वार्टर पैनल है भाई, इसकी वजह से आपके मुँह पर सीधा इसमें रोशनी आती है तो सही है। अब चलता हूँ दोस्तों आपको इसका दिखाता हूँ बूट पे देन इंजन पे। तो उसके लिए आपको है ना यहाँ पे एक मैग्नेटिक बटन दे रखा है मारुति ने, ये खुल गया। बाकी पूरा आप इसको पकड़ के बंद भी कर पाओगे और पूरा इसमें ना इंस्टॉलेशन दे रखी है। बूट पे आप देखो भाई सीएनजी के बाद आपको इतना कुछ देखने को मिलता है। बैग आपका इजीली इसमें आ जाएगा, पार्सल ट्रे इसमें नहीं आती है और मेरे हिसाब से ना कोई लगवाता भी नहीं है, ताकि उसको ना ज़्यादा से ज़्यादा इसमें बूट पे मिले। एक डायरेक्ट बूट स्पेस तो भाई ये है, इसमें आपका इजीली आ जाएगा। बाकी स्टेपनी जरूर से दे रही भाई आजकल मारुति, और बहुत सारी कंपनी जैसे ह्यूंडई भाई बहुत गलत कर रही है, स्टेपनी देना बंद कर दिया भाई उन्होंने। जब से उन्होंने ड्यूअल सिलेंडर टेक्नोलॉजी दी है तो वो बहुत गलत बात है। अगर टायर कट जाए तो कहाँ जाएगा भाई कंज्यूमर, तो गलत बात है वो। बाकी इसमें ठीक ठीक हमें स्पेस भी देखने को मिल जाता है। बंद करते हैं। अब दिखाता दोस्तों आपको इसका इंजन बेस, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे बोनेट खोलना पड़ेगा। तो दोस्तों ये देख पा रहे हो भाई बोनट मैंने इसका होल्ड कर रखा है, और नीचे इसमें आप देख पा रहे हो पूरी इंसुलेशन दे रखी है। मेरे को तो ये नहीं पता कि भाई जो गाड़ी साइलेंट इतनी है उसके बाद आप इसमें इंसुलेशन क्यों दे रहे हो। कोई नहीं भाई, दे रही तो भाई काफ़ी अच्छी बात है। बाकी अगर इंजन की बात करें तो भाई 4 सिलेंडर आपको इसमें इंजन देखने को मिल जाता है, सीएनजी में पेट्रोल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है भाई ये दोनों में। अगर पावर की बात करें तो 83 PS की पावर निकाल के देता है और 139 NM का ये टॉर्क निकाल के दे देता है, 1200 cc का अपना ये इंजन रहने वाला है। बाकी अगर माइलेज की बात करें तो भाई पेट्रोल में आराम से आपको ये 20 से 22 तक की तो इजीली निकाल के दे देगा। सिटी में भी अभी मान लो 17 से 18 तो कहीं नहीं गई। और अगर सीएनजी में बात करें तो भाई 24 से 25 आपकी सिटी, और हाईवे पे आप इससे आराम से भाई 30 तक भी भाई लोगों ने निकाली है तो आप भी निकाल सकते हो। तो भाई आप बताओ भाई आपको कैसा लगा इसका इंजन, और इंजन के लिए ही भाई मेरे हिसाब से मारुति इतनी आगे चली गई है बाकी गाड़ियों से। तो दोस्तों ये थी आप सबके सामने मारुति की फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट सिग्मा, कैसा लगा आपको मेरे को जरूर से कमेंट सेक्शन में बता के जाना। अगर आप इस गाड़ी में इंटरेस्टेड हो, एक अच्छी डील चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे आप जरूर से कांटेक्ट कर सकते हो। और एक आपको अलग बात बताता हूँ, अगर आप पेट्रोल में लेना चाहते हो ना इसको फ्रोंक्स को, तो उसमें ना आपको ये मान के चलो 15 से 20 हज़ार रुपये का अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो आप पेट्रोल भी ले सकते हो, लेकिन CNG में फिलहाल कोई भी डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। अगर इसके एक्सशोरूम प्राइस की बात कर ले तो भाई ये आपको 8,46,500 रुपये की एक्सशोरूम पड़ जाती है ओवरऑल इंडिया में। ऑन रोड के लिए भैया मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को।